बिहार राज्य में विश्वनाथ आलेकर बने बिहार के 41वें राज्यपाल। सीएम नीतीश कुमार ने अगवानी कर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शुक्रवार को बिहार के 41वें राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे फागू चौहान को अब मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शुक्रवार को बिहार के 41वें राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर की अगवानी की। स्टेट हैंगर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को राजभवन में पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे फागू चौहान को अब मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। इस मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। इनके अलावा खनन मंत्री रामानंद यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, मध्य निषेध मंत्री सुनील कुमार व कई अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी आरएस भट्टी व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर शेयर की तस्वीरें। नए राज्यपाल आलेकर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खींची गई तस्वीरों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पोस्ट के माध्यम से फेसबुक पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आज बिहार के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। गोवा के रहने वाले हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। वह मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। वर्ष 1954 में उनका जन्म हुआ था। साल 2002 से 2007 तक आलेकर गोवा में भाजपा के विधायक रहे हैं। वही 2012 से 15 तक गोवा विधानसभा के स्पीकर रहे। साल 2015 और 2017 तक वन पर्यावरण राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था।